दोस्तों सच में बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन संतो जैसा महान दूसरा कोई नहीं है। जी हां, तीसरे टी20 में टीम इंडिया से मिली करारी हार के बावजूद इस मैच के हीरो संजू सैमसन के चरणों में झुककर उनका आशीर्वाद लेते हुए इस बांग्लादेशी खिलाड़ी ने जो किया, ये नजारा देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत उन्हें सलाम करने लगा। तो आखिर क्यों अचानक संजू के छुए नजमुल हुसैन संतो ने पैर? ये नजारा देखकर कैसा था संजू का रिएक्शन? कैसे इस खिलाड़ी ने धर्म की सभी बाउंड्रीज को तोड़ दिया? इन दोनों के बीच हुए उस खूबसूरत लम्हे की पूरी वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी टीम इंडिया की धमाकेदार जीत से खुश है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों बांग्लादेशी क्रिकेट टीम कप्तान नजमुल हुसैन संतो के नेतृत्व में भारत आई थी। उनकी आंखों में नए सपने थे भारत को हराने के, लेकिन ये सपने केवल सपने ही बनकर रह गए। जहाँ पहले दो मैचों की टेस्ट सीरीज में उन्हें मुंह की खानी पड़ी, तो अब ग्वालियर, दिल्ली और अब हैदराबाद में भी बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को केवल शर्मसार होना पड़ा और बांग्लादेश 3-0 से टी20 सीरीज भी हार गई। लेकिन उसके बावजूद तीसरे टी20 का खेल खत्म होने के बाद बांग्लादेशी कप्तान ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जी हां दोस्तों, दरअसल इस तीसरे टी20 मैच में संजू सैमसन ने अकेले ही बांग्लादेश को खून के आंसू रुलाए। इस खिलाड़ी ने 47 गेंद पर 11 चौकों, 8 तूफानी छक्कों से सजी 111 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल डाली, जिस पर तो पूरी दुनिया फिदा हो गई। इसके दम पर ही टीम इंडिया ने 20 ओवर में 297 रन ठोक डाले और जवाब में बांग्लादेश को केवल 164 रनों में ढेर कर टीम इंडिया ने 133 रनों से न केवल यह मैच बल्कि 3-0 से यह टी20 सीरीज भी अपने नाम की, जिसके बाद यहां पूरा स्टेडियम, पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था। तो वहीं आंखों में आंसू थे तो हर एक बांग्लादेशी फैन उनके खिलाड़ी और बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन संतो के, खास तौर पर उनके कप्तान को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। उन्हें अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है कि क्या हुआ है। लेकिन इसी दरमियान उनकी एक हालत खराब देखकर संजू सैमसन उन्हें हौसला देने के लिए उनके पास जाते हैं। तब संतो को पता नहीं कौन सा बुखार चढ़ा कि संजू के स्वागत में संतो तो सीधा उनके पैरों पर ही गिर पड़े। जी हाँ, सही सुना आपने, जैसे ही संजू उनके पास गए तो संतो ने उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लिया। ये देखकर तो खुद गंभीर से लेकर संजू, सूर्य और वहां मौजूद हर एक खिलाड़ी, फैन, हर कोई दंग रह गया था। किसी को भरोसा नहीं हुआ कि संतो ने ऐसा क्यों किया है। जहाँ एक मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने इतने महान भारतीय खिलाड़ी के पैर छूकर जो महान काम किया है तो वो सच में काबिले तारीफ था। यहाँ तक कि खुद संजू भी उनसे काफी प्रभावित थे। पहले तो वो डर गए और फिर संजू ने उन्हें तुरंत उठाया, उन्हें सीने से लगाया, उनकी पीठ थपथपाई और फिर काफी लंबे समय तक उनसे बातचीत और चर्चा करते रहे। और इस मैच में अब टीम इंडिया की जीत से ज्यादा तो नजमुल हुसैन संतो सुर्खियों में छा गए हैं। जहां धर्म की सभी मर्यादा और बाउंड्रीज तोड़ते हुए उन्होंने संजू सैमसन के पैर छूकर जो अद्भुत काम किया है वो तो सच में सराहनीय था, वो सबके लिए प्रेरणा बन गए। साथ ही साथ उन्होंने संजू सैमसन की खूब तारीफ भी करी। यहां तक कह दिया कि 5 गेंद पर 5 छक्के मारने का करिश्मा संजू के अलावा तो कोई भी नहीं कर सकता। और जाते जाते नजमुल हुसैन संतो करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत गए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये मोमेंट? आपको क्या लगता है संतो ने क्यों संजू के पैर छू लिए? आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों संजू सूर्य के तूफान में उड़ा बांग्लादेश, टीम इंडिया ने ठोक डाले 297 रन। तो इस लक्ष्य का पीछा करते हुए बिश्नोई और मयंक यादव ने अपनी कातिलाना फिरकी से बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की धज्जियां उड़ाकर ऐसा तांडव मचाया देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। तो इस रोमांचक तीसरे टी20 मुकाबले में कैसे टीम इंडिया ने बांग्लादेश का सुपड़ा साफ कर दिया, इसके रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी संजू और सूर्य के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों 2-0 से टी20 सीरीज पर ऑलरेडी कब्जा जमा चुकी टीम इंडिया के पास मौका था तीसरे टी20 में भी बांग्लादेश को 3-0 से क्लीन स्वीप कर उनका सफाया करने का। वहां दूसरी तरफ बांग्लादेशी क्रिकेट टीम अपनी इज्जत से इस तीसरे टी20 में बचाना चाहती थी। ऐसे में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जब इस तीसरे टी20 के घमासान के लिए दोनों टीमें आमने सामने आई, तब टॉस टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर एक बार फिर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। टीम इंडिया को एक बार फिर से विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जो पिछले मैच की गलती को नहीं दोहराना चाहते थे। दूसरे ओवर में सीधे संजू सैमसन ने बांग्लादेशी गेंदबाजों पर धावा ही बोल दिया। जी हां, दूसरा ओवर लेकर आए थे बांग्लादेश के रफ्तार के सौदागर तस्कीन अहमद। कुआड़े हाथों लेते हुए संजू ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 चौके जड़कर इस ओवर में कुल 15-16 रन बटोरे कर उन्होंने दो ओवर में ही
टीम इंडिया को 23 रनों तक पहुंचा दिया था। हालांकि तभी तीसरा ओवर लेकर आए तंजीम ने आती पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा को मेहंदी हसन के हाथों कैच करवाकर टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया, जहां अभिषेक 4 गेंद पर केवल 4 रन बनाकर इस मैच में भी बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। ऐसे में पहला झटका लगने के बाद मैदान में मोर्चा संभालते हुए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव कदम रख चुके थे। हालांकि पहली गेंद सीधा उनके पैड पर लगी और बांग्लादेश ने विकेट के लिए जोरदार अपील करी। उन्होंने रिव्यू भी लिया लेकिन उनकी ये चालाकी उन पर ही भारी पड़ी, जहां उनका रिव्यू भी गया और सूर्या को एक नया जीवन दान भी मिल गया। और फिर बांग्लादेश के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए सूर्या ने अगली गेंद पर विकेट के पीछे अपना 360 अंदाज दिखाते हुए एक जोरदार छक्का लगाया और अपने खतरनाक इरादों से बांग्लादेश को रूबरू करवा दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर सूर्या का बल्ला दहाड़ा और इस बार उन्होंने इस अंदाज में एक और चौका बटोर कर बांग्लादेश की हालत खस्ता कर दी थी। केवल 3 ओवर में टीम इंडिया विस्फोटक अंदाज में 35 रनों तक पहुंच चुकी थी। भारतीय पारी तो रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही थी, जिस पर तो ऐसा लग रहा था ब्रेक ही नहीं है। दोनों तरफ से ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर बांग्लादेश पर टूट पड़े थे। चौथे ओवर में तस्कीन अहमद का स्वागत चौके से कर सूर्या ने टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। ऐसे में एक बार फिर पावर प्ले के अंतिम ओवर में अपनी टीम की इज्जत बचाने तंजीम हसन आते हैं, लेकिन इस बार उनकी बेदर्दी से कुटाई का प्रोग्राम तो उन्होंने बना रखा था। सूर्या ने उनकी धज्जियां उड़ाते हुए चौकों की हैट्रिक लगा दी। इसी के साथ इन दोनों के बीच 22 गेंद पर ही 50 रनों की दमदार साझेदारी हुई। तो ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्या ने ऐसा तूफानी छक्का लगाया जिस पर बांग्लादेश की बर्बादी लिखी हुई थी। इसी के साथ 6 ओवर में टीम इंडिया ने 82 रन ठोक डाले थे, तो ये तो केवल ट्रेलर था, असली पिक्चर असली बर्बादी तो अभी बाकी थी। 7वां ओवर लेकर आए रिशाद हुसैन को नानी याद दिलाते हुए संजू ने उनकी 2 गेंद पर 2 चौके लगाए, तो तीसरी गेंद पर गगन चुंबी छक्का उड़ाकर संजू सैमसन ने केवल 22 गेंद पर ही अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया था। 7 ओवर में टीम इंडिया 98 रनों पर खड़ी थी, तो 8वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्या ने चौका लगाकर टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। ये दोनों तो बांग्लादेशी गेंदबाजों को वापसी का एक मौका नहीं दे रहे थे। हैदराबादी फैंस के लिए तो आज चांदी हो गई थी, क्योंकि सूर्या और संजू ने ऐसी आतिशबाजी करी थी कि पूरा आसमान रंगीन हो गया था। हर एक हिंदुस्तानी खुश था, तो आंसू निकल रहे थे तो केवल बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के। 10वें ओवर में संजू ने रिशाद हुसैन को तारे दिखाते हुए एक के बाद एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 गेंद पर 5 तूफानी छक्के उड़ाकर पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया था। इसी की बदौलत 10 ओवर में टीम इंडिया 152 रनों तक खड़ी थी, तो दूसरी तरफ सूर्या ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना अर्धशतक 24 गेंद में पूरा किया। लेकिन संजू सैमसन तो आज इतिहास लिखने के इरादे से मैदान में आए थे, उन्हें रोक पाना किसी के बस की बात नहीं हो पा रही थी। पहले संजू ने सूर्या के साथ मिलकर 150 रनों की पार्टनरशिप को अंजाम दिया, तो फिर देखते ही देखते 12वें ओवर की पहली गेंद पर मेहंदी हसन का स्वागत चौके से कर संजू सैमसन ने केवल 40 गेंद पर अपना ऐतिहासिक शतक ठोक दिया था, जिस पर सूर्या से लेकर गंभीर पूरे स्टेडियम में खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजाई और अपनी मसल्स दिखाते हुए संजू ने इस सेंचुरी का जोरदार जश्न भी मनाया। 13 ओवर में ही उनकी विस्फोटक बैटिंग से टीम इंडिया 190 रनों तक पहुंच चुकी थी। बांग्लादेश का मनोबल, कॉन्फिडेंस सब कुछ चकनाचूर हो चुका था। हालांकि हर अच्छी चीज का अंत आता है। 14वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर ने आखिरकार संजू सैमसन को पवेलियन का रास्ता दिखाया, लेकिन जाने से पहले संजू ने अपना काम बखूबी किया और 47 गेंद पर 11 चौकों और 8 तूफानी छक्कों से सजी 111 रनों की बेमिसाल पारी खेल गए। हालांकि उनके विकेट का कुछ खास असर इंडिया पर हुआ नहीं। सूर्या ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर चौका जड़कर 14 ओवर में टीम इंडिया को 201 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, संजू के पीछे पीछे अगली गेंद अगले ओवर में महमूदुल्ला ने सूर्या को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां सूर्या 35 पर 8 चौकों और 5 छक्कों की बदौलत 75 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में रियान पराग और हार्दिक पांड्या की जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी, जहां रियान ने तो आते ही तूफानी छक्के से अपना खाता खोलकर बांग्लादेश की खुशियों को पल भर में मातम में बदल था, तो बांग्लादेश को जश्न मनाने का मौका मिल भी पाता उससे पहले ही रियान और हार्दिक ने रनों की रफ्तार से बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी। 16वें ओवर में 2 चौके 2 तूफानी छक्के हार्दिक ने उड़ाए, तो 17वें ओवर में भी रियान पराग ने 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 17 ओवर में टीम इंडिया को 252 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों तरफ से केवल चौके छक्कों की आंधी देखने को मिल रही थी। हालांकि 19वें ओवर में तस्कीन अहमद ने आखिरकार रियान पराग का शिकार कर लिया, लेकिन जाने से पहले रियान ने 13 गेंद पर 4 छक्कों और 1 चौके से सजी 34 रनों की खूंखार पारी खेल दी थी। 19 ओवर में टीम इंडिया ने 282 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, तो 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक ने छक्का जरूर लगाया, लेकिन अगली गेंद पर बाउंड्री पर वो भी कैच आउट हो गए।
उन्होंने 18 गेंद पर 4 चौके 4 छक्कों से सजी 47 रनों की खतरनाक पारी खेली। नीतीश रेड्डी भी पहली गेंद पर बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। इसी के साथ टीम इंडिया के 6 बल्लेबाज भी पवेलियन लौट चुके थे। हालांकि पारी की अंतिम गेंद पर रिंकू ने छक्का मारकर टीम इंडिया को 20 ओवर में 297 रनों के ऐतिहासिक टोटल तक पहुंचा दिया था। अब बांग्लादेश के लिए इस लक्ष्य का पीछा करना तो पॉसिबल था ही नहीं, अब ये देखना था कि बांग्लादेश कितनी लड़ाई कर पाती है। ऐसे में बांग्लादेश की इज्जत बचाने ओपनिंग क्रम में परवेज हुसैन इनाम के साथ तंजीद हसन की जोड़ी मैदान में उतरी थी, लेकिन पहली गेंद पर रफ्तार के सौदागर मयंक यादव ने परवेज हुसैन को रियान पराग के हाथों कैच करवाकर बांग्लादेश की बर्बादी की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। हालांकि उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे संतो ने तंजीद हसन के साथ मिलकर तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया और 3 ओवर में 35 रन बांग्लादेशी क्रिकेट टीम ने बना लिए थे। वो भारतीय टीम से लड़ाई करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि वो 297 रनों के आसपास शायद पहुंच जाएं। वो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर देखने को मिल रहा था। जहां तंजीद हसन ने हार्दिक पांड्या के खिलाफ दूसरे ओवर में एक के बाद एक 2 चौके लगाए, तो संतो ने तीसरे ओवर में मयंक यादव को आड़े हाथ लेते हुए एक तूफानी छक्का और फिर एक चौका भी लगा दिया था। लेकिन दोस्तों उनकी यह पार्टनरशिप ज्यादा लंबी नहीं चली और 4th ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर ने इस बार तंजीद हसन को रियान पराग के हाथों कैच करवाकर बांग्लादेश के दोनों ओपनर समेत दिए थे।